पिछली बार जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इंग्लैंड ने फाइनल में सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाने की वजह से इंग्लैंड को चैम्पियन घोषित कर दिया गया। और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड अच्छा खेलने के बावजूद भी उन लोगों को जो है हार का मुंह देखना पड़ा। और ये जो नियम है वो 2023 वर्ल्ड कप में ICC ने बदलाव कर दिया है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में कौन सा नियम चेंज किया है ICC ने, और जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कौन सा होगा, और कितना दिन के लिए जो है रिजर्व डे रखा गया है, और टोटल कितना मैच होगा और कहाँ कहाँ पे होगा, और सेमीफाइनल मैच में क्यों हो सकता है अदला बदली। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं। जो 2023 का वर्ल्ड कप है, वैसे देखा जाए तो ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुआ है, यानी वर्ल्ड कप जो है वो हर 4 साल के बाद एक बार होता है। और जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको उद्घाटन करके पूरा दुनिया को बोला जाता है जो वर्ल्ड कप है उसका स्टार्ट हो गया है, यानी जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का जुनून सबके अंदर जोश भर दिया जाता है वर्ल्ड कप को ओपनिंग सेरेमनी करके। यानी 2023 का ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुआ है। पिछली बार यानी 2011 में जब एशिया ने अपना मेज़बानी मिला था वर्ल्ड कप का, उसी टाइम पे बांग्लादेश जैसा देश वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेरेमनी कितना अच्छा तरीके से या धुआंधार से किया था। जैसे कातर जो फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया है, उसने भी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो बहुत ही अच्छा तरीके से करके पूरा दुनिया को बता दिया था जो वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट हो चुका है। बट इस बार इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ओपनिंग सेरेमनी को लेके आप लोगों का क्या ख्याल है, अपना राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलो अभी बात करते हैं 2023 के जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के बारे में। जो 2023 का वर्ल्ड कप है, इसमें कुल 10 टीम पार्टिसिपेट करेगी, और इसमें 10 टीमों के अंदर टोटल 48 मैच खेला जाएगा, जिसमें ग्रुप स्टेज में मैच होगा 45 और 2 मैच होगा सेमीफाइनल और 1 होगा फाइनल। तो 2023 का वर्ल्ड कप है, इसमें ओनली 2 सेमीफाइनल के लिए 2 रिजर्व डे और फाइनल के लिए 1 रिजर्व डे, यानी 3 रिजर्व डे रखा गया है। और ये जो मैच होगा ग्रुप स्टेज में वो सभी टीम के अंदर यानी रोबिन हुड फॉर्मेट में जो है वर्ल्ड कप का मैच जो होगा वो ग्रुप स्टेज का होगा। और जो ICC का नया बदलाव है इस वर्ल्ड कप को लेके, वो पहला बदलाव है जो बाउंड्री है, बाउंड्री मिनिमम 70 मीटर होना चाहिए, यानी 70 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी बाउंड्री 70 मीटर से बड़ा, यानी जो बाउंड्री होगा इस बार का वो सबसे बड़ा बाउंड्री देख सकते हैं आप लोग। और जो दूसरा है वो है जो सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता था पहले, उसमें भी बदलाव आ गया है, यानी इस बार जो सॉफ्ट सिग्नल का नियम है वो नहीं दिखाई देगा। पहले क्या होता था, हम्पायर अगर कुछ आउट को लेकर डाउट था तो 2 हम्पायर मिल के एक डिसीजन पे आते थे, और इसके बाद 3rd अम्पायर को रेफ़र किया जाता था। 3rd अम्पायर को रेफ़र करने के टाइम पे जो मैदान का अम्पायर है वो लोग एक सॉफ्ट सिग्नल दिखाया करते थे, उसी आधार पे अगर 3rd अम्पायर को कुछ भी सबूत नहीं मिलता है तो जो अम्पायर का फैसला होता था मैदान का, उस फैसले को ही 3rd अम्पायर दिया करते थे। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, जो डिसीजन होगा वो 3rd अम्पायर का ही होगा। और इस बार वर्ल्ड कप में सबसे एक अच्छा बदलाव किया है ICC ने, वो बदलाव है जब वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो इस बार बाउंड्री की वजह से चैम्पियन घोषित नहीं किया जाएगा। इस बार जो होगा वो होगा सुपर ओवर, यानी जितना टाइम तक नतीजा नहीं निकलता है उतना टाइम तक ही सुपर ओवर खेला जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो पिछली बार 2019 में इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा बाउंड्री मार के चैम्पियन हुआ था, इस नियम को उठा देना सही था या फिर गलत, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
और इस बार का जो सेमीफाइनल होगा इसमें जो स्टेडियम है स्टेडियम का भी अदल बदल हो सकता है और वो डिपेंड करेगा फुल्ली पाकिस्तान टीम के ऊपर। यानी अगर पाकिस्तान टीम एक नंबर पोजीशन या फिर चार नंबर पोजीशन में अपना जो ग्रुप स्टेज का पॉइंट है वो ख़त्म करता है तो जो सेमीफाइनल का मैच है सेमीफाइनल मैच का जो स्टेडियम है वो बदल सकता है। यानी जो पाकिस्तान का टीम है वो अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगा ईडन गार्डन में। अगर दो नंबर और तीन नंबर पोजीशन में पाकिस्तान का टीम सेमीफाइनल की जो ग्रुप स्टेज का पॉइंट है इसमें ख़त्म करता है तो जो दूसरा सेमीफाइनल है वो कलकत्ता में ही होगा। अगर एक नंबर और चार नंबर पोजीशन में पाकिस्तान का टीम अपना पॉइंट टेबल ख़त्म करता है तो जो कलकत्ता का जो सेमीफाइनल है वो चेंज हो के जाएगा मुंबई और मुंबई का जो सेमीफाइनल है वो चला आएगा कलकत्ता में। तो यही था जो वर्ल्ड कप 2023 है उसका कुछ बदला हुआ नियम। तो चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला और एक वीडियो के साथ।